नमस्कार दोस्तों, किसी शायर ने खूब कहा है, किसी को परखना नहीं चाहिए क्योंकि परखने से कोई अपना नहीं रहता। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें भगवान ने हमें उन रिश्तों में बांध कर धरती पर भेजा है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो ज़मीन पर हम लोग खुद बनाते हैं। और ये बात देखी गई है कि आजकल तलाक जैसी चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि एट ए टाइम एक टाइम में देखकर ही हम लोग किसी की शक्ल सूरत देखकर या किसी का पैसा देखकर शादियां तो हो जाती हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती। और उसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी से जो अट्रैक्शन है ये ख़राब है। पैसा देखकर शादियां करना, गुण भी होने चाहिए कुछ। उसी के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ। एक बार एक लड़का जो अपनी एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इतना कि उसके लिए कुछ भी कर जाता, जैसे तैसे करके उसने लड़की को शादी के लिए प्रपोज़ किया। सब फैमिलीज मान गई, सब शादी के लिए अरेंज हो गया। दोनों बहुत हंसी खुशी अपनी लाइफ को स्पेंड करने के सपने देखने लगे। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उन दोनों की एक रिंग सेरेमनी का फंक्शन शुरू हुआ। जिस टाइम फंक्शन शुरू हुआ, उसी टाइम क्या हुआ कि उसके उन हॉल में, उस मंडप में, उसमें पूरी तरह से आग लग गई। और इस आग के कारण सारा परिवार, सारे दोनों फैमिली जो से हैं, परेशान हो गए। लेकिन कैसे तैसे बच के सब बंदे, सब लोग बाहर निकल आए, किसी की जान का नुकसान नहीं हो। अब जैसे ही बाहर निकले, इस लड़की को एकदम से याद आया कि अरे, मेरा गहनों से भरा हुआ बॉक्स तो मंडप के अंदर ही रह गया, हॉल के अंदर ही रह गया है, अब मैं क्या करूं? उसने सब लोगों की तरफ देखा कि मेरा गहनों का बॉक्स अंदर रह गया है। फिर वो उस लड़के की तरफ देखकर बोली कि ये लाएगा मेरे गहनों का बॉक्स। अब लड़का जो सा है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और चुपचाप वो आग से भरे हुए मंडप की तरफ बढ़ गया और उसके अंदर चला गया हॉल के। और वहाँ से जैसे तैसे करके आग से बचता बचाता उसका वो गहनों का बॉक्स जो सा है वो लेकर बाहर आ गया। जब वो गहनों का बॉक्स बाहर लाया तो उसने लाते ही उस लड़की की तरफ दे दिया और उससे बोला, ये लो तुम्हारा गहनों का बॉक्स, लेकिन अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब यहाँ सवाल उठता है कि उसने ऐसा क्यों किया? उसके लिए जान पर खेल गया, लेकिन बाहर आते उसने ऐसा क्यों किया? क्या आप में से कोई इसका जवाब बता सकता है? इसका जवाब ये है कि उस लड़की ने बोला कि जो लड़की मेरे लिए, मेरे जान से ज़्यादा जिस लड़की को गहने प्यारे हैं, वो लड़की मेरी क्या होगी? सो उसने शादी करने का। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पैसा बेहद ज़रूरी है, मान सकते हैं, लेकिन इंसान उससे भी ज़्यादा कीमती हैं। कई बार हम पैसों के चक्कर में एक अच्छे भले इंसान को खो देते हैं। उम्मीद है ये मोटिवेशनल स्टोरी, ज़रूर इसमें कुछ जो छुपी बातें हैं उनको आप लोगों को समझ में आएंगी। मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।